हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #फरा। #फरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डोमिनोज के स्टाइल में वो चिली फ्लेक्स घर में बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। अगर हम मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है वो घर में बनाने के कंपैरिजन में। तो आज मैं आपको वो बना के बताती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास 50 ग्राम चिली फ्लेक्स, जो चिली फ्लेक्स कह रही हूँ, सूखी लाल मिर्च है। मैं इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि करारी हो जाए। एक बात का ख्याल रखें कि आपके एग्जॉस्ट और खिड़कियां खुली हों, ताकि वरना बहुत ज़्यादा घर में वो जल फैल जाएगी धसक मिर्चों की। तो अब हम इसको थोड़ी देर सिम पे भूनेंगे, रोस्ट होने देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक जब ये काफ़ी करारी हो जाए, ताकि जब हम इसे पीसे तो आसानी से चिली फ्लेक्स वाला इस पर टेक्सचर आ जाए। हमारी मिर्चें ऑलमोस्ट रोस्ट हो गई हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा इन्हें और करूँगी बिल्कुल सिम पे, चलाते रहें ताकि एक तरफ से ज़्यादा ना हो जाए। और मैं इसको अब बंद कर दूँगी ताकि ये बस गर्म से थोड़ा कुरकुरा सा हो जाए, ताकि आसानी से पिस जाए। हमारी मिर्चें हो गई हैं, अब मैं इसे बस मिक्सर में पीसूंगी। ध्यान रखिए कि इसे 1, 2, 3 वाले इस पर नहीं पीसना है। हमारे मिक्सर में एक विप का ऑप्शन होता है ना, जो कि अपोजिट साइड 1, 2, 3 के अपोजिट साइड होता है, हमें उस वाले को इस्तेमाल करना है। वरना अगर हम 1, 2, 3 में पीसेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा। अब हमने अपनी मिर्चों को जार में डाल लिया और हम इसे विप पे पीसेंगे। बूम बूम बूम, हमारी डोमिनोज स्टाइल की चिली फ्लेक्स तैयार है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। बाय बाय।